माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर सेकंड, अ रूम 10 फीट बाय 8 फीट। दिस रूम माइट बी 10 फीट बाय 8 फीट, सेड मिसेस मलिक, पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइन ऑन द टेबल बिफोर देम। श्रीमती मलिक ने अपने सामने टेबल पर रखे हुए या पड़े हुए उस ड्राफ्ट प्लान की ओर एक वर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रूम 10 फीट बाई 8 फीट का हो सकता है। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड दिस सजेशन। ये तीसरी बार था जब श्रीमती मलिक ने ऐसा सुझाव दिया था। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर और आयर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिजाइन द हाउस। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस पर न तो मिसेस मलिक के पति देव ने और न ही उस आर्किटेक्ट ने इस पर ध्यान दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ जो मेड आ रहा है, इट वॉज द थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड दिस सजेशन। ये मेड की थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी इसे कहते हैं और फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। मैड फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखा रहता है मेड इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो भारत में निर्मित है, ठीक है ना, वहां बना हुआ है। तो ये जो मेड है वो मेड की थर्ड फॉर्म है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक परिवार या मलिक दंपति, द मलिक से कहा हुआ है, ठीक है ना, द मलिक्स, द अग्रवाल, द गुप्ताज, द बिश्नोईज, द जालीज, द जास के साथ लिखने पर जनरली ये परिवार या दंपति को शो करता है, ठीक है ना, द मलिक। तभी तो इसके साथ बी की जो ये पास्ट फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म में लगी हुई है, ठीक है ना। द मलिक का मतलब प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है, ठीक है ना। द मलिक वर गोइंग टू द हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक दंपति या मलिक परिवार दिल्ली में अपना घर बनवाने वाले थे। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। दे हैड परचेज्ड वर्ब कल हमने जिस समय हम वोकैबुलरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया है परचेज का होता है खरीदना, ठीक है ना। तो याद रहिए परचेज है ये परचेज की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। दे हैड परचेज अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। उस समय पहले उन्होंने एक अच्छी जगह या फैशनेबल कॉलोनी में एक भूखंड, प्लॉट की कहते कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका भूखंड यूज होता है, ठीक है ना। प्लॉट को जगह नहीं, प्लॉट के नाम से जाने तो अच्छी फीलिंग आती है, आप अच्छे से हम समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और भूखंड हिंदी में शब्द है इसका। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। उन्होंने टाउन में एक फैशनेबल कॉलोनी में इसके लिए उस समय पहले प्लॉट खरीदा था। नाउ दैट देवर पोस्टेड बैक इन दिल्ली। अब वापस वो दिल्ली में पदस्थापित हो गए थे, ठीक है ना। वापस से उनकी जो पोस्टिंग कहाँ हो गई थी, दिल्ली में हो गई थी। उससे क्या बना है, पोस्टेड, ठीक है, हाँ। और पोस्ट से बनता है पोस्टिंग, ठीक है ना। Now that they were posted back in Delhi,
अब वे पुनः दिल्ली में पदस्थापित हो गए थे। तबादला कहीं से होकर के वापस आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे। Therefore, they might as well have their house built. उन्होंने सोचा कि इस दौरान वो यहाँ घर बना दें। They might as well have their house built. ये जो built है, ये build की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना? Build का अर्थ होता है build, जिससे builder और building बनता है। Build. निर्माण करना, निर्माण करना। और इसका सेकंड फॉर्म है बिल्ड, ठीक है ना? इसी ग्रेड से बनता है बिल्डिंग और इसी ग्रेड से बनता है बिल्डर, ठीक है? भवन निर्माण कर। नेक्स्ट, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided. अपने हृदय में गहराई से, heart of hearts का मतलब होता है हृदय में, बिल्कुल मन ही मन या गहराई से, Mrs. Malik ने या श्रीमती मलिक ने ये निश्चय कर लिया था दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि घर के निर्माण के बाद, घर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, सी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन। वह दिल्ली में ही रहेगी भले ही उनके पति देव का तबादला कहीं और हो जाना था, ठीक है ना? इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन। सी वाज सिक ऑफ दैट पोस्टिंग। श्रीमती मलिक उनकी पोस्टिंग से बार बार तबादले हो रहे थे, उससे परेशान थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड अ न्यू प्लेस। प्रत्येक नए वर्ष उनका नए स्थान पर तबादला या वो स्थान बदल कर चले जाते थे। उनका मतलब होता है गति करना, तो या गति करना का मतलब है स्थानांतरण, स्थान बदल कर दूसरी नई जगह चले जाना, ठीक है? Now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। और उन्होंने बार बार एक स्कूल से दूसरी स्कूल में शिफ्ट करना भी अच्छी बात नहीं था, डिजायरेबल नहीं था। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक वुड गो ऑल। श्रीमती मलिक ने कहा कि भले ही मिस्टर मलिक का तबादला होने पर वो अकेले ही जा सकते थे, अगर उनका जाना अनिवार्य हुआ, मिस्टर मलिक को अगर जाना पड़े तो खुद को अकेले ही जाए। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। श्रीमती मलिक बच्चों के साथ दिल्ली में ही स्थायी रूप से बस जाएगी। सेटल, सी वुड सेटल डाउन परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी रूप से, ठीक है ना? स्थायी रूप से। सी वुड हैव अ
रह लेगी, रह जाएगी। सी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। मिस्टर मलिक है नो ऑब्जेक्शन टू इट। मिस्टर मलिक या श्रीमान मलिक को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? आपत्ति, ऐतराज, ठीक है ना। तो जो मिस्टर मलिक थे उनको इस बारे में कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस रूम माइट बी 10 feet by 8 feet, मिसेस मलिक रिपीटेड। ये रूम 10 by 8 feet का हो सकता है, श्रीमती मलिक ने इस बात को दोहराया, रिपीट किया। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, और ये रिपीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। मिसेस मलिक रिपीटेड, मिसेस मलिक ने या श्रीमती मलिक ने इस बात को दोहराया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द अडजेसेंट रूम। मिसेस मलिक के पति ने पास वाले कमरे में फोन पर बात कर रहे थे, फोन को अटेंड कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, ठीक है। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। लेकिन ये तो एक स्टोर है, स्टोर का मतलब होता है अपने घर में भंडार घर होता है, जहां पर कोई सामान को रखते हैं, स्टोर रूम होता है। तो आर्किटेक्ट ने क्या कहा? बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। परंतु ये तो एक स्टोर है, आर्किटेक्ट ने श्रीमती मलिक को समझाया, एक्सप्लेन किया, बात को समझाया। एक्सप्लेन वर्ब हमने कल पढ़ी थी, ठीक है ना। एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर्म, एक्सप्लेन एक्सप्लेन सेकंड और थर्ड, ठीक है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माय मदर इन लॉ रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माय मदर इन लॉ रूम, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि ये कमरा मेरी सासू माँ के लिए हो सकता था। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम, और सासू माँ के बाद इसे स्टोर रूम में काम में लिया जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट इस बात को समझता प्रतीत नहीं हुआ, मतलब बात को समझ नहीं पाया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन। मिसेस मलिक की इस वार्तालाप से आर्किटेक्ट व्यथित सा दिखा, मतलब वो परेशानी में या उलझन में पड़ गया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन। आई मीन माय मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इनफर्म, सी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम। मिसेस मलिक एक्सपेंड हॉर्टिंग। मेरा मतलब मेरी सासू माँ के लिए इस कमरे को काम में लिया जा सकता है। एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इनफर्म, जैसा कि तुम जानते हो कि सासू माँ अभी बीमार और रुग्ण है, बूढ़ी हो गई है। सी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, और जब वो नहीं रहेगी, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, उसके बाद इसे स्टोर रूम में बदला जा सकता है। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली। मिसेस मलिक ने या श्री
या रुकते हुए, हल्का सा रुकते हुए रुक कर इस बात को समझाया, ठीक है ना। ये डॉट डॉट भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा रुक रुक कर जैसा हमने कोई नदी जैसे हो तो रुक रुक कर इस बात को समझाया। मिस्टर मलिक ज्वाइन देन, मिस्टर मलिक भी अब उनके साथ जुड़ गए, ज्वाइन हो गए। इट सीम्ड व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। ऐसा प्रतीत होता है जब फोन पर बात मलिक साहब कर रहे थे या जब फोन पर मलिक साहब की बात हो रही थी तो इसके बारे में उन्होंने शायद ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू सजेशन, इसके बारे में या इस सुझाव के बारे में जैसे उन्होंने सोचा था। He too was of the opinion that the store should be a little bigger. और उन्होंने या उनका भी यह मत था कि स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ऐसा मिस्टर मलिक का भी मत था। It is always better to have a commodious store room so that one can होता है कि अगर स्टोर रूम थोड़ा बड़ा हो तो उसमें हम ट्रंक्स को चंदू की आपसों को आसानी से सरका सकते हैं। देन इट इज आल्सो मोर कन्वीनिएंट टू कीप इट टाइडी, और उसे साफ रखने में भी थोड़ी आसानी रहती है। टाइडी का मतलब होता है स्वच्छ रखना, साफ जो होता है स्वच्छ होता है उसके लिए टाइडी वर्ड यूज होता है। Keep it tight. आज हमने इस पैराग्राफ तक पढ़ लिया है, आगे हम और नई जो वर्ड पावर है उसे हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा हम ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज जो भी हमने ट्रांसलेशन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप समय का सदुपयोग कर घर पर नियमित रूप से वीडियो देखें, घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।